सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसे MSBSHSE बोल देते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट या फिर महाराष्ट्र बोर्ड HSC 12वीं का परिणाम या SSC 10वीं का परिणाम जल्दी घोषित होने जा रहा है। यह maharesults.nic.in वेबसाइट पर घोषित होगा। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र बोर्ड HSC और SSC के नतीजे 30 या 31 मई को जारी हो सकते हैं। अगर आपने महाराष्ट्र बोर्ड HSC SSC की परीक्षा दी है तो आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को रिफ्रेश करते रहे, उसी पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे आप अपना रिजल्ट 10वीं और 12वीं का आसानी से अपने मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर चेक कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखें। रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल एड्रेस बार में टाइप करना है maharesults.nic.in। इसको टाइप करने के बाद ये वेबसाइट न्यू ओपन हो जाएगी, महाराष्ट्र एग्जामिनेशन रिजल्ट्स 2018 की। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है रिजल्ट्स फॉर द एग्जाम्स कंडक्टेड इन 2018, यानी कि जो एग्जाम 2018 में कंडक्ट हुआ है उसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो आप इस वेबसाइट को डेली रिफ्रेश करते रहें, जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो यहीं पर आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करना है। आप 10वीं का या 12वीं का जो भी रिजल्ट देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको पूरी जानकारी भरनी है, उसमें रोल नंबर, कैप्चा और बाद में सबमिट करना है, तो आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर सामने दिखाई देगा। तो ऐसे आप अपना रिजल्ट आसानी से घर पर ही मोबाइल, डेस्कटॉप या लैपटॉप में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। शेयर करने का फ़ायदा ये होगा महाराष्ट्र बोर्ड में जिसने एग्जाम दिया है वो भी छात्र अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं।